साथियों, स्पेस सेक्टर में ये रिफॉर्म करते समय मेरे मन हमेशा भारत के युवाओं का असीम सामर्थ्य रहा। और अभी जिन स्टार्टअप्स में जाकर के मैं आया हूं, बहुत छोटी आयु के नौजवान और बहुत बुलंद हौसले के साथ वो कदम आगे रख रहे हैं। उनको देख करके, उनको सुन करके मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया। मैं इन सभी नौजवानों को बधाई देता हूं। स्पेस सेक्टर में पहले की जो व्यवस्थाएं थी उसमें भारत के युवाओं को उतने मौके नहीं मिल रहे थे। देश के नौजवान अपने साथ इनोवेशन, एनर्जी और स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन को लेकर आते हैं। उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी बहुत होती है। ये किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर कोई युवा कोई इमारत बनाना चाहे तो क्या हम उसे कह सकते हैं कि सिर्फ पीडब्ल्यूडी से बनवाओ? अगर कोई युवा कुछ इनोवेट करना चाहता है तो क्या उसे हम बोल सकते हैं कि ये काम सिर्फ गवर्नमेंट फैसिलिटी से ही होगा? ये सुनने में ही अजीब लगता है, लेकिन हमारे देश में अलग अलग सेक्टर्स में यही हालत थी। ये देश का दुर्भाग्य रहा कि समय के साथ रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शन, इसके बीच में जो अंतर होता है उसे भुला दिया गया। आज जब भारत का युवा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा भागीदार बनना चाहता है तो हम उसके सामने ये शर्त नहीं रख सकते कि जो करना है सरकारी रास्ते से ही करो। ऐसी शर्त का जमाना चला गया। हमारी सरकार भारत के युवाओं के सामने से हर अवरोध को हटा रही है, लगातार रिफॉर्म्स कर रही है। डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए खोल देना, आधुनिक ड्रोन पॉलिसी बनाना हो, जियो स्पेशल डाटा गाइडलाइंस बनानी हो, टेलीकॉम आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम एनीवेयर की सहूलियत देनी हो, सरकार हर दिशा में काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि हम भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए ज्यादा से ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल बनाएं, ताकि देश का प्राइवेट सेक्टर देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग में उतनी ही मदद करें।